ब्रदर का नाम रविंदर सिंह है और जे तरन तारण बाईपास के रहने वाले हैं। इस ब्रदर की गवाही जे है कि जे प्रभु के ऊपर 12 साल से बिलीव करते थे, पर जे बताते हैं कि जे कभी भी प्रभु से संगति में नहीं थे गए। इनके मदर जाते थे, पर घर के कुछ कारण ना करके उनका मन भी ऐसे परेशान हो जाता था, क्योंकि वो बताते कि जिनके फादर साहब हैं वो ड्रिंक करते थे और घर में कोई भी उनके कहने में नहीं था, तो इसलिए उनका मन भी ऐसे पीछे हट गया। और 12 साल हो चुके थे जो पहले चर्च जाते थे, पर अभी एक साल से नहीं थे जा रहे। और जैसे जो एक साल से नहीं थे जा रहे, तो इस ब्रदर के जीवन में एक प्रॉब्लम आ गई कि इनके चेस्ट में दर्द रहती थी, इनकी छाती में, जिसके कारण जो बहुत परेशान हो चुके थे। और 6 महीने हो चुके थे कि जो ब्रदर मेडिसिन खा रहे थे, फिर भी उस दर्द से जो फ्री नहीं थे हो रहे। और जब बता रहे कि कभी भी जो भारी चीज़ नहीं थे उठा सकते, नीचे भी नहीं थे झुक सकते, उसी समय इनको दर्द स्टार्ट हो जाता था और जो बहुत परेशान थे। और जब बताते कि इन्होंने ऐसे अपने ऐसे मलवाया भी था कि ऐसे तेल वगैरह भी मालिश भी करवाई थी, पर उससे भी वो दर्द ज़्यादा स्टार्ट हो गई और बिल्कुल भी जो अच्छे नहीं थे हो रहे और बहुत परेशान थे। और जो ब्रदर ने बताया कि जैसे जे जुलाई महीने की लास्ट संगति में आए थे और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और घोषणा हुई कि किसी के ऐसे चेस्ट में छाती में दर्द है और वो ग्रहण करें, विश्वास करें। और जैसे ही जे ब्रदर ने रिसीव किया, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। मैं आपके फेफड़ों की चेस्ट के हड्डियों में जो दर्द है, आपकी फेफड़ों की हड्डियों की चेस्ट में जो आपके दर्द रहता है, मैं आपको हील होते देख रहा हूं। आप विश्वास करो और ग्रहण करो। आप जो कोई भी हो, मैं आपकी फेफड़ों की हड्डियों में, आपकी चेस्ट में, उन हड्डियों में दर्द देखता हूं। और ये दर्द ये उसके अंदर डर पैदा कर रही है। अब जो कोई भी हो, मैंने देखा कि ये इस दर्द से उसके अंदर डर पैदा हो रहा है। वो सोच रहा है कि शायद मुझे कुछ हो ना जाए। आप में अगर कोई है तो आगे आ जाओ। वो इस चीज से डर रहा है कि जब भी वो दर्द होती है तो उसे उसके मन में ऐसे लगता है मुझे कुछ हो ना जाए। अगर आप में कुछ है, कोई है, अगर आप में कोई है, अगर मैं जो बोल रहा हूं उसी चीज के लिए आना, अपनी बुद्धि से ना आना। उसके फेफड़ों की हड्डियों में, उसकी चेस्ट में जो दर्द है, उसके अंदर डर पैदा किया उसने कि मुझे कुछ हो ना जाए। इनके लिए बोला गया प्रभु के दास के मुख से। तो जैसे ही इस ब्रदर को ऐसे बताया गया, क्योंकि उसने फर्स्ट मीटिंग में आए थे, और जब जी आगे आए तो उनके लिए ले हैंड हुई। सबसे पहले हम उस ले हैंड क्लिप को भी देखते हैं। चलो खड़ आउट। चल पूरी तरह से निकल। चल पूरी तरह से छोड़। चल छट। चल आउट। निकल। छोड़ उसके बॉडी को। चल छोड़। चल शैतान, जो तू इसके गुप्त रूप में बैठा है, चल मैं आज्ञा करता हूं। चल उखड़ आउट। जे ब्रदर बताते कि जैसे उस दिन इनके लिए ले हैंड हुई, तो जे जुलाई महीने के लास्ट संडे की मीटिंग में आए थे और अभी 1 महीना हो चुका है कि जे ब्रदर उस दर्द से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं और जे ब्रदर बहुत खुश हैं। और जे पहले बिलीव भी नहीं थे करते 12 साल से, और आज जे प्रभु की संगति में भी आ रहे हैं और जे बहुत खुश है कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री कर दिया है। ओके, और सुनो, और ये छोटी बात नहीं है कि नहीं, 12 साल हो गए, आपका दिल नहीं करता था चर्च जाने को? हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं, हाँ, इनके मदर आए हैं ना? हाँ, ये भला उन्हें भी 12 साल हो गए आपको प्रभु में आई। हाँ, 12 साल हो गए ना? और हाँ, सीधे खड़े रहो, सीधे आप इस साइड आ जाओ। हाँ ठीक है।
तो आप बताओ कि आपको 12 साल हो गए प्रभु में आए हुए, हाँ, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता था, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो आप बताओ थोड़ा क्या क्या कारण था 12 साल इतना। मैंने सुना था कि आपने प्रभु को छोड़ दिया। घर च बहुत कला कलेश रहिंदी ही, इना डैडी शराब बड़ी पींदे ही। अच्छा, बहुत शराब पीते थे। हाँ जी, ते ओ मेनू सारे कह दे। आपको आपको यहां पे आए हुए कितना टाइम हुआ अभी? तीसरा महीना हो गया। अभी तीसरा महीना? हाँ जी, तीसरा महीना हो गया मुझे लगता है। इतना टाइम हुआ कि कम अभी है? अभी तीन महीने नहीं हुए, क्योंकि आप अभी एक महीना हुआ, क्योंकि सातवें महीने उन्होंने हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया। और एक क्योंकि कुछ चीजें देखो मुझे पता है, क्योंकि जब भी कोई टेस्टामनी होती है तो कुछ चीजें हम सब नोटिस में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कौन किस समय आया, क्या क्या है, सब चीजें समझ आ रही। तो भी कितना, एक महीना है ना, लगभग एक महीने से थोड़ा ऊपर होगा। और जबकि जब से आप यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी आपके घर में शांति है? हाँ जी। 12 साल तक आपके घर में कोई शांति नहीं मिली? नहीं, शांति। आपके पति जो आपसे झगड़ा करते थे? हाँ जी। कलेश रहता था? हाँ जी। अभी तो नहीं करते? नहीं, बहुत कट गए। बहुत कम हो गए। हाँ जी। और शांत करना है। हाँ, वो पूरी तरह क्या है? हाँ, क्योंकि देखो 12 साल के बाद, क्योंकि आप प्रभु को छोड़ चुके थे, है ना? हाँ जी। और आपको फिर किसी ने शुभ समाचार दिया कि यहाँ पे आओ। हाँ जी। क्या करो? और परमेश्वर ने फिर से आपके लिए क्या खोला? रास्ता खोला। अब 12 साल तक प्रभु में रहे और फिर आपने प्रभु को छोड़ दिया। क्या कारण था छोड़ने का कारण? क्या आपको किसी ने टीच नहीं किया, अच्छे से सिखाया नहीं? कि कुछ चीजें अच्छे से ज्ञान नहीं मिला? नहीं, मन ही परेशान रहता। मन ही परेशान? तो आपका मन किसी ने सही नहीं किया? नहीं, नहीं किया। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत मेन है। और देखो 12 साल के बाद इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, और उसके बाद ये इनका बेटा जो 12 साल तक ये प्रभु के साथ बने रहे, और ये एक भी दिन में नहीं आप गए कभी चर्च के? गए कभी? कभी कभी? अच्छा, कभी कभी जाते थे, पर मन नहीं था लगता। क्या नहीं लगता था? मन नहीं लगता था। हाँ, कभी कभी जाते थे ना, और मन नहीं लगता था, और उसी की वजह के कारण आपके ये चेस्ट में हालात आ गया। हाँ, आपकी फेफड़ों में दर्द रहने लगी। हाँ जी। आप कोई काम नहीं कर सकते थे बारह। हाँ जी। आप नीचे झुक नहीं सकते थे। हाँ जी। हाँ, ऐसे था। अभी दिखाओ, झुक कर नीचे दिखाओ। क्या बात, एक बार और दिखाओ। क्या बात है, देखो जब परमेश्वर, हाँ, किसी को शुद्धता है, बोलो क्या है, जब किसी के को परमेश्वर शुद्धता है तो उसको पूरी तरह क्या करता है, बोलो क्या है, पूरी तरह आजाद करता है। ये दर्द कितने समय से थी आपके? एक साल हो गई। एक साल से दर्द थी। इसके लिए आपने बहुत मेडिसिन खाई? हाँ जी। पर कुछ कोई फर्क नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। अभी एक महीने पहले हुआ इनका? हाँ जी, एक महीने पहले, जुलाई की लास्ट संडे के मीटिंग में। जुलाई लास्ट संडे, हाँ, जब ऐसे जब परमेश्वर मेरे मुंह से, जब मैं प्रेयर कर रहा था तो उसके आत्मा ने बोला कि जिसके भी फेफड़ों में क्या रहती है दर्द, हाँ, और इसने रिसीव किया, और उसके बाद इसके लिए ले हैंड हुई, और आज पूरी तरह फ्री है। हाँ, आज कोई मुश्किल तो नहीं है कोई काम करने में? नहीं जी। उठने बैठने में कोई भारी काम करने में? नहीं नहीं जी। अब पूरी तरह क्या हो? पूरे फ्री हो। हाँ जी। इस गवाही के लिए, हाँ, और इस शांति के लिए जो 12 साल तक मिली नहीं, हाँ, और आज ये 12 साल के बाद जो प्रभु को छोड़कर पीछे चले गए थे, फिर आज फिर परमेश्वर ऐसे आज भजन गा रहे थे। एक मुझे याद है कि परमेश्वर कभी भी अपने बंदों को, अपने लोगों को छोड़ता नहीं। हाँ, ऐसे गा रहे थे ना, मुझे याद है ना, ऐसे गा रहे थे कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को, ये थोड़ा सा मुझे बताओ कैसे था ये। हाँ, यहीं पे आ जाओ। कैसे था, ध्यान से सुनो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं, ठीक है? हाँ, बस ऐसे सुनो सब। उसने छोड़ा ना
कभी वो छोड़ेगा, उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा। रुक तूफानों के यहोवा मोड़ेगा, दुश्मन का मुंह आप खुदावंद तोड़ेगा, दुश्मन का मुंह आप खुदावंद तोड़ेगा। अपने लहू से आज सबको धोएगा, अपने लहू से आज सबको धोएगा। थके थके से हौसले, डर जाना नहीं, डर जाना नहीं। ना वो कभी छोड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बोलो क्या है? वो कभी नहीं छोड़ता। जब कोई इंसान चला जाता उसे छोड़कर, तब भी वो बाहें फैलाए आपके लिए कि आप आ जाओ उसके पास, क्या जाओ। और कितनी गवाही इसके बेटे के जीवन में, तो खुदा ने काम किया ही किया, इसे तो डिलीवर किया ही किया। हाँ, एक साल की इस फेफड़ों की बीमारी से, दर्द की जो, हाँ, जो दर्द रहती थी, कोई काम नहीं कर सकता, नीचे झुक नहीं सकता था। और साथ में मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है इसकी गवाही से भी कि ये 12 साल के बाद बैकस्लाइड हो चुके थे, प्रभु को छोड़कर चले चुके, और परमेश्वर ने फिर से इन्हें खड़ा किया और अपने स्वर्ग का उद्धार क्या बना लिया, हाँ, अधिकारी बना लिया। क्योंकि परमेश्वर की चाहत है ना सारा जगत बचाया जाए, क्या जाए। और ये फिर से एक समय जी शैतान के हाथ में चले गए और परमेश्वर ने फिर से अपनी गोद में ने ले लिया, ठीक है जी। अब बने रहना, क्या रहना, और परमेश्वर को, उसके रक्षा को समझना, उसकी सच्चाई को और भी समझना, और उसके साथ और भी बढ़ना। परमेश्वर आपको सूरज की तरह चमकाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तारीफ करो इस गवाही के लिए सब।